राजस्थान के कोटा हड़ौती में किसानों को लहसुन के उचित दाम नहीं मिलने से किसानों का लागत नहीं निकल पा रही है। भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों की पीड़ा को देखते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने लहसुन की होली जलाकर मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त कार्यालय में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की कि बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जावे। किसान मोर्चा के सांकेतिक धरने के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि गत वर्ष किसान को लहसुन के दाम बाजार में अच्छे मिले थे, किसान के घर में समृद्धि आई थी, जिससे किसानों ने इस बार 60% रकबे में लहसुन बोया, परंतु इस वर्ष बाजार किसानों की उम्मीद से बिल्कुल विपरीत रहा एवं अधिक उत्पादन होने के कारण लहसुन के दाम गिर गए। इससे किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से आहत भाजपा कार्यकर्ता एवं किसानों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने लहसुन की होली जलाकर विरोध प्रदर्शित किया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।